तो फाइनली बोलिंग में आज मेरा आखिरी दिन है और कल सुबह मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। और जाने से पहले अनिल जी मेरे लिए एक गिफ्ट लेके आए हैं। गलुप 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 बोलते हैं हम लोग। अच्छा वाह बहुत प्यारा ही है। बीइंग एज अ इंडियन सो इट्स आवर लव मैसेज एंड अ काइंड मैसेज टू ऑल द इंडियन दैट वी आर आल्सो इंडियंस। No, no. जय हिंद। पीपल नो या कुछ लोग नहीं जानते जो नहीं पढ़ते लिखते हैं तो क्या कर सकते हैं उसके। कोई बात नहीं। ठीक है दीदी। हाँ थैंक यू। ठीक है चलिए मिलेंगे फिर। ठीक है और शादी कर लीजिएगा, सिस्टर बनने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे डर लगेगा और खास करके तब ये जब पुल ये देखिए ऐसे ऐसे हिलेगा। जो लकड़ी का पुल मुझे देखना था सस्पेंशन ब्रिज वो अब आ चुका है और काफ़ी खूबसूरत है ये। मैं आपको दिखाता हूँ। कैसी लगी ये जगह? जी हाँ इस जगह का नाम है बोलिंग। हो सकता है आप लोगों ने ये नाम ना सुना हो और जिन लोगों ने अरुणाचल की भी यात्रा की होगी उन्होंने भी ये नाम ना सुना हो, क्योंकि अरुणाचल में ये बिल्कुल ऐसी जगह है जहाँ पे टूरिस्ट ना के बराबर या बिल्कुल कम आते हैं। ये जगह है सियांग डिस्ट्रिक्ट। सियांग डिस्ट्रिक्ट जो है वो आदि ट्राइब जो हैं उनका निवास स्थान है और अभी इस वक्त मैं हूँ बोलेंग में। बोलेंग जो है वो सियांग डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है। काफ़ी छोटा सा शहर भी नहीं है, आप इसको कस्बा कहिए। यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं काफ़ी छोटे छोटे हैं। तो बोलेंग जो है वो सियांग डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है और यहाँ पे आदि ट्राइब के लोग रहते हैं। ये बिल्कुल ऑफ बीट डेस्टिनेशन है, यहाँ पे लोग आते नहीं। जो लोग आते हैं वो पहले से ही आलो या फिर मेचुका या फिर तूतिंग, इन तीन जगहों की तरफ निकल जाते हैं इसके आसपास से। यहाँ पे कोई नहीं रुकता, लेकिन मैंने सोचा था कि अरुणाचल मुझे घूमना है थोड़ा अलग, बिल्कुल अलग, खास करके ट्राइबल मतलब कि एरियाज में ट्रैवल करने में मेरा इंटरेस्ट है। आप लोगों ने मेरे वीडियोस देखे होंगे और लगातार देखते होंगे, तो इसलिए भी मैं यहाँ पे आया क्योंकि मुझे आदि ट्राइब को देखना था। साथ ही मुझे देखनी थी ऐसी ऐसी जगहें जहाँ पे कोई नहीं जाता, जहाँ पे भीड़ नहीं होती। अरुणाचल का मतलब लोगों के लिए तीन चार जगह ही हैं, जैसे कि ज़ीरो, मेचुका, तवांग, लेकिन मैं इन सब जगहों के अलावा कुछ अलग घूमना चाहता था तो मैं आया यहाँ पे बोलेंग में। बोलेंग में देखने के लिए एक और जो मुख्य चीज़ है वो है यहाँ का लकड़ी का पुल। तो ये जो है ये दो नदियाँ हैं यहाँ पे, मेन जो सियांग रिवर है तो सियांग नदी के नाम पे ही जगह का नाम सियांग पड़ा है, सियांग डिस्ट्रिक्ट। तो सियांग और दिमांग दो नदियाँ यहाँ पे मिलती हैं। दिमांग नदी एक्चुअली आके सियांग में मिलती है। तो सियांग और दिमांग पे ये बड़ा सा पुल बना हुआ है लकड़ी का, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और ये काफ़ी बड़ा है, अरुणाचल में आपको हर जगह लकड़ी के पुल दिखेंगे झूलते हुए ब्रिज, लेकिन ये बहुत बड़ा है। यहाँ से शुरू होके ये ऐसे 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 वहाँ तक गया है, बहुत बड़ा ब्रिज है ये। अरे भाई साहब ये जो पुल है वो कई जगह से खाली खाली है, देखिए ऐसे ये बीच में ये खाली खाली है और ये हिल रहा है पूरा। ये बाइक आ रही है, निकल जाओगे? हाँ जाओ। एक हाथ में गोप्रो पकड़ा है मैंने, एक हाथ से इधर ये तार पकड़ रहा हूँ क्योंकि पुल हिल रहा है। और एक साइड में चलेंगे आप तो और ज़्यादा ये वेट जाएगा, तो पैर को ध्यान से रखना है, नीचे भी देखना है नहीं तो पैर फंस जाएगा। ये दो मतलब जहाँ पे फांक है पुल में। ओ भाई साहब ये देखिए कैसे हिल रहा है ये पुल, एक तरफ को झुक रहा है ऐसे ऐसे। तो वाकई इस पुल पे काफ़ी मज़ा आ रहा है मुझे।
और यहाँ पे जो अंदर से फीलिंग आ रही है ना वो काफ़ी मज़ेदार है। जो लोग डरते हैं उनके लिए इस तरह के पुल नहीं हैं। अरुणाचल में जब आप आएंगे तो आपको इस तरह के सैकड़ों पुल दिखेंगे, मतलब हर जगह एक ना एक पुल इस तरह का होता है। तो जो लोग थोड़ा डरते हैं हाइट से, पानी से, उनके लिए ये पुल नहीं है। वाकई में आपको यहाँ पे डर लगेगा, और ख़ास करके तब ये जब पुल ये देखिए ऐसे ऐसे हिलेगा। ये जो है ना, मतलब जो फीलिंग, इसके लिए थोड़ी सी हिम्मत चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत हिम्मती हूँ, लेकिन हाँ इसके लिए थोड़ी हिम्मत चाहिए। हर कोई इस पुल पे नहीं चल सकता। यहाँ के कई मतलब अरुणाचल कहीं कई लोगों ने बोला कि वो इस तरह के पुल पे चलना प्रेफर नहीं करते क्योंकि उनको डर लगता है। तो जो शहर के लोग होंगे, बड़े शहरों के, उनको तो और ज़्यादा डर लगेगा इस पर। ये देखिए क्या शानदार नज़ारा है इधर से, ये चारों तरफ पानी पानी पानी, पहाड़ और ये लकड़ी का ब्रिज। तो बोलेंग से करीब 14 किलोमीटर दूर ये गांव है। इस गांव का नाम है पारेंग, और अभी मैं इस गांव में आया हूँ। ये गांव दूर से मतलब काफ़ी खूबसूरत लगता है, लग रहा था। अभी धान की जो खेती हुई है, धान के की बालियाँ पक गई हैं, तो दूर से वो पूरा पीला पीला दिख रहा था। नीचे नदी बह रही है और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा था। और ये जो सामने आपको गांव दिख रहा है, ये वाला, ये है पारेंग। उसके ऊपर एक और गांव है, वो है सीने गांव। वाकई में बहुत खूबसूरत जगह ये है। ये देखिए धान के खेत, छोटे छोटे घर, कितना प्यारा लग रहा है। पारेंग में मैं जिस चीज़ को देखने आया हूँ वो चीज़ है एक हैंगिंग ब्रिज। यहाँ का हैंगिंग ब्रिज जो है वो थोड़ा अलग है, तो उसी को मैं देखने आया हूँ। और ये सारी मेहनत सिर्फ उस ब्रिज को देखने के लिए। बाकी ये गांव भी बहुत खूबसूरत है। इस गांव में कितने घर हैं? 72 और हेल्थ सेंटर। अच्छा, वो हेल्थ सेंटर। यहाँ तो हैरियर भी है किसी के पास, महंगी गाड़ी। यहाँ भी अमीर लोग हैं ना? अरे अमीर अमीर सब अमीर हैं। यहाँ पे क्या है, मतलब इनकम का मेन साधन क्या है? इनकम सीमांग नदी से मछली लेके बिकता है, मछली लेके बिकता है। मछली बेच के इतना अमीर हो जाएगा? उम्मीद तो उससे सिर्फ नहीं है, जंगल में जितना बागान करना है उसमें सब चीज़ फर्टिलाइजर है, ये सब करके भी वो हैरियर जैसी गाड़ी थोड़ी खरीदी जाएगी। और वो सिर्फ नहीं है ना, कॉन्ट्रेक्टर भी करता है ना। कॉन्ट्रेक्टर भी इधर भी ड्रग्स वक्स चलता है क्या? ड्रग नहीं चलता, नहीं चलता है। अफीम उफीम की खेती इधर नहीं होती ना? ना, अपोंग तो होता है। अपोंग होता है, काला अपोंग ना। हाँ हाँ, और व्हाइट वाइन भी है। व्हाइट वाइन है ये है, मतलब दो चार घर और ऊपर ना, मतलब कुल मिला के यही बस्ती है। अच्छा, ये है पूरी बस्ती, ये ऊपर कुछ घर है। ये कप्तान ताली कपला अम्मोगत कमा, ये बस्ती पूरी खाली है। हाँ, सब खेती में। अच्छा, सब खेती में गए हैं। अच्छा, शाम को मिलेगा या तो सुबह को मिलेगा? सुबह को मिलेगा, दोपहर में कोई नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। गाय वाय खूब पालते हैं क्या इधर लोग? अच्छा, खूब है। खेती करता था ना? अच्छा, पहले गाय से खेती करता था। हाँ। वो धान को वो करने के लिए ना। हाँ, वो जो पानी। हाँ, हाँ। और दूध दूध पीते हैं लोग इधर गाय है तो? नहीं, नहीं पीते। गाय का दूध ही पीता? नहीं पीता। तो गाय का फिर क्या करते हैं ये लोग? गाय को का देते हैं। इधर देखो आप, गाय जो है, गाय का क्या करते हैं? गाय को तो काटता है हम। काटते हो? गाय का दूध नहीं पीते? नहीं पीते, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, उसका हैबिट ही नहीं है। हैबिट ही नहीं है? तो गाय पालते हो सिर्फ काटने के लिए? हाँ, मांस खाते हो उसका? और बेचते भी हो? अच्छा, कैसे किलो बिकता है इधर गाय का? 300 रुपए किलो। हाँ। अच्छा। अच्छा, मतलब मेनली आप लोग गाय पालते हो सिर्फ खाने के लिए? अच्छा, अभी तो पावर टेलर से सब चल रहा है। तो क्या चल रहा है? पावर टेलर नहीं है, मशीन। हाँ हाँ, उसी से खेती, हाँ, को करता, खेती करता है। ये हाल मारता था तो पहले। हाँ, हाल वाल के लिए। हाँ, हाँ, तो अभी तो उससे कोई काम नहीं है, खाना है, खाना है। तो पहले भी गाय से जब हल चलाते होगे तो गाय जब बूढ़ी हो जाती होगी तो खा जाते थे, काट देते थे? अच्छा, इस गांव में भी धान काट रही हैं औरतें, और मेरे ख्याल से ये शायद जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है
इसी के थ्रू ये चल रहा है या फिर पता नहीं। आप लोग सब सेल्फ हेल्प ग्रुप से? अच्छा कुत्ते को क्या बोलते हो आप लोग? एकी। एकी। और बिल्ली को मेकारी? मेकारी। कुत्ता को एकी बोलता है, बिल्ली को मेकारी बोलता है। अच्छा आमो, आम को आमो बोलता। आमो। Oh, ye bula. Hello. Hello. Nom na em oi. Aao. Nahi. Aapki beti hai? Main mera sala ka beti. Sala ka beti. Ha. Naam kya hai inka? Iska? Ha? नुनकी 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 आओ नुनकी नहीं आएगी। हाँ ये किट्टी को हम 3 साल किया था। अच्छा तो फाइनली जिस ब्रिज की तलाश में मैं आया था, जो लकड़ी का पुल मुझे देखना था, सस्पेंशन ब्रिज, वो अब आ चुका है और काफ़ी खूबसूरत है ये। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये है वो ब्रिज। वाव तो बहुत खूबसूरत है ये, नीचे नदी, पहाड़, बादल और ये प्यारा सा पुल। कौन सी है? सिमांग। सिमांग यहाँ के जाके किस नदी में मिलेगी? सियांग में। सियांग में जाए। सियांग में तो जब आप अरुणाचल प्रदेश आएंगे ना, तो इस तरह के बैम्बू के ब्रिज आपको बहुत सारे दिखेंगे, हैंगिंग ब्रिज जिसको बोलते हैं। लेकिन ये जो ब्रिज है, इसको जो मैं देखने आया, इसकी खासियत ये है कि तो ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये पूरा बेंत का बना हुआ है, बेंत से इसको टाइट किया गया है। तो काफ़ी सुंदर लगता है ये देखने में और साथ ही काफ़ी सिक्योर है, काफ़ी मजबूत है। तो इसीलिए मैं इस ब्रिज को देखने आया। बाकी पहले के वीडियो में भी आपने बहुत सारे ब्रिज देखे होंगे, लेकिन ये उन सब से काफ़ी अलग और काफ़ी सुंदर है। तो इस ब्रिज को बनाने में काफ़ी इंजीनियरिंग की ज़रूरत होती है। ये लोकल लोगों ने बनाया है, देखिए इस तरीके से ये जो मोटे मोटे तार हैं, इनको ये पेड़ से बांधा गया है। और पेड़ से बांधा तो गया ही है, साथ में पेड़ से पूरा ये तार चिपक जाए, उसको सपोर्ट मिले, उसके लिए ये देखिए पत्थर लगाए गए हैं। ब्रिज जो है ये लोकल लोग बनाते हैं? अच्छा बस्ती वाला। इसको सरकार नहीं बनवाती? नहीं, ये सारा लोकल लोग बनाते हैं, बस्ती वाले। अच्छा और ये तार वार कैसे बांधते हैं लोग आपस में, मतलब बस्ती वाले? बस यहाँ में ये है, रस्सी है, ये बेत का रस्सी। बेत का रस्सी दिया है? लेकिन ये तो तार है। हाँ वो तार है, तो ये हमें बेत का रस्सी भी बांधना है। अच्छा ये देखिए आप। अच्छा ये तो बोलते हैं कि मतलब ये जहाँ पे जॉइंट है ये टूट जाता है आराम से, लेकिन अगर बिना जॉइंट तो कोई हाथी भी नहीं खोल सकता इसको। मिथुन को बांध के रखते हैं ना इसमें शायद। हाँ तो जॉइंट नहीं हो जिसमें, वो इतना मजबूत होता है कोई नहीं तोड़ पाएगा उसको। अच्छा और ये तार देते हैं? हाँ तार। तो ये पत्थर किस लिए लगाया है? इसको सपोर्ट के लिए कि चिपक जाए। नहीं तो ये चिपक जाएगा। हाँ हाँ
चिपक जाने से ये मुड़ जाएगा ना। अच्छा पेड़ मुड़ जाएगा, ये पत्थर इसलिए लगाया है कि तार को सपोर्ट मिले। हाँ। ये तो पेड़ में लगेगा तो पेड़ पे चिपक जाएगा और पेड़ मुड़ जाएगा, गिरने हाँ। का चांस है। हाँ। अच्छा इसको जिंदा रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए हाँ। पेड़ को हाँ। ये पेड़ किस चीज का है? ये जुतली बोलता है इसको, जुतली। डर रहा है ना। और ये देखिए इस पुल से होके कुत्ता भी जा रहा है, वो भी बेचारा डर रहा है, आराम से संभल संभल के पैर रख रहा है। काट लिया आप लोगों ने धान? काट लिया? अभी खाना खाएगा फिर जाएगा? खाया खाया फिर से जाएगा? और शुरू है और से भी करेगा काटने के लिए। अपोंग पेड़ा हाँ, अपोंग अपोंग कलापोंग काला वाला हाँ। दिखाइए हाँ। यहाँ पे मुझे अपोंग ऑफर किया जा रहा है। अपोंग यहाँ का लोकल वो मतलब शराब होती है। और ये किस चीज का बराबर है? मड़ुआ से, मड़ुआ से ना, मड़ुआ से बनाया गया है इसका। टेस्ट कीजिए, हम तो पिएगा। ये है अपोंग। हाँ मीठा है। तो मैंने अपोंग ट्राई किया, ब्लैक अपोंग जो मड़ुआ का बना हुआ है, और ये हल्का हल्का मीठा था, बढ़िया था। आप लोग कितने बजे काम शुरू करते हो? सुबह हाँ 7 बजे। 7 बजे? 5 बजे नहीं, 7 बजे। शाम को 3 बजे, 3 बजे खत्म कर देंगे। 3 बजे छुट्टी करता है, छुट्टी करते हैं। घर में मुर्गी पलता है, चुंगुर पलता है, दाना देने के लिए घर लुटता है। सुबह 7 बजे, अच्छा शाम 3 बजे, अच्छा 30,000। तो अभी ये पीप के फिर एक बार जाएंगे आप लोग खेत में? और थोड़ा काटेगा, और थोड़ा काटेगा। हाँ अच्छा आपका क्या टाइटल है? मेरा यहाँ हर कोई टाइटल क्यों पूछता है? हर कोई यहाँ पूछता है ना, क्यों पूछता? तो है सबको पूछता है। मेरा टाइटल प्रकाश कुमार, कुमार कुमार, मैं कुमारा हूँ ना, इसीलिए कुमार। चलिए आप लोग काम करिए, ठीक है, फिर आऊंगा कभी, मिलूंगा। अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, धन्यवाद आप लोगों के लिए। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। ठीक है चलिए चलेंगे ना, जाइए। हाँ ठीक, बाय। तो फाइनली बोलिंग में आज मेरा आखिरी दिन है, और कल सुबह मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। और जाने से पहले अनिल जी मेरे लिए एक गिफ्ट लेके आए हैं। हाँ, पहनिए। दिस इज अनिल, अनिल तातिंग नाम है इनका, और अब हम काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं, तो मैंने इनको दिल्ली आने का न्योता दिया है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। तो ये है अनिल जी की तरफ से छोटा सा, ये एक मेरे तरफ से छोटा सा गिफ्ट, एक आदि गालुप, गालुप गालुप बोलते हैं हम लोग। अच्छा वाह, बहुत प्यारा है ये, और ये गर्म भी रखेगा, गर्म भी रखेगा, गर्म भी रखेगा, तो फिर कभी आएगा। दिस इज अ लव फ्रॉम बोलिंग एंड लव फ्रॉम आदि ट्राइब, आदि ट्राइब एंड आवर नॉर्थ ईस्ट, या एंड बीइंग एज अ इंडियन, सो इट्स आवर लव मैसेज एंड अ काइंड मैसेज टू ऑल द इंडियन दैट we are also Indians. no Jai Hind. People know, yeah, people know. Yeah. We all are Indians. कुछ लोग नहीं जानते, जो नहीं पढ़ते लिखते हैं तो
क्या कर सकते हैं उसके कोई लिए बात। लेकिन सबको पता है कि अरुणाचल इंडिया में ही है, जो नहीं जानते उनकी गलती आपकी गलती नहीं है, उसके लिए आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है।